मुझे तो ये समझ नहीं आया कि अगर दिवाली में पटाखे बंद थे तो लोगों के पास पटाखे आए कैसे। अगर चाइनीज सामान भारत में बैन है तो लोगों के पास चाइनीज झालर और चाइनीज प्रोडक्ट आए कैसे। खैर, दिवाली पर मैंने कुछ जगहों के वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, पहले आप उस वीडियोस को देखिए, फिर मैं पूरी बात करूंगा और असल मुद्दे की बात करूंगा। इस वीडियो को दिखाने का मकसद मेरा बिल्कुल साफ था कि यहां पर पटाखे भी फूटे हैं, पटाखे भी जलाए गए हैं, साथ ही साथ चाइनीज झालर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग भी हुआ है। यहां तक कि आप देख सकते हैं वीडियो में दिए कम जलाए गए हैं बल्कि चाइनीज प्रोडक्ट का ज्यादा यूज हुआ है। अब देखिए, पटाखों का मार्केट में बिकना और चाइनीज झालर का मार्केट में बिकना सीधा ये दिखाता है, सरकार की नाकामयाबी को दिखाता है। ये सब चीजें सरकार की नाकामयाबी को दिखाती हैं कि प्रशासन और सरकार के द्वारा जो चीजें बैन है फिर भी वो मार्केट में बाजार में बिक रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार ही असफल है, सरकार विफल है और सरकार की ये नाकामयाबी है कि वो इसे रोक नहीं पाई। खैर, इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एक बहुत जरूरी बात मुझे आपसे कहनी है, मैं खबरों को बनाता हूं इसका मतलब ये कि मैं चुनौतियों से लड़ता हूं। चुनौतियों से लड़ने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए होती है। मुझे हिम्मत दो जगहों से मिलती है, पहली इस संविधान से, दूसरी आपसे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे वीडियोस बनाने के लिए इस समय एक फोन की जरूरत है। वो फोन काफी महंगा है, मुझे उसे खरीदना है जिससे कि मैं ये वीडियोस, ये खबरें आप तक ज्यादा मात्रा में पहुंचा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा खबरें मैं कवर कर पाऊं। इसीलिए मुझे उस फोन को खरीदने की जरूरत है। तो आप मुझे उस फोन के लिए आर्थिक सहायता जरूर करें। आपका जो सहयोग होगा मेरे लिए काफ़ी लाभदायक होगा और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। आपका छोटा सा सहयोग मुझे एक फ़ोन दिलाएगा और उस फ़ोन के माध्यम से मैं आप तक बहुत सारी खबरें पहुंचाऊंगा। आप लोग 50 रुपये से लेकर 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 150, 500, 1000, 20000 जितना हो सके आप भेज सकते हैं मुझे। UPI ID और गूगल पे नंबर मैंने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप मुझे कॉल करके बात भी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ मुझे आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम है अर्णव, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।